हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लर इफेक्ट का यूज। हम लोग ये ज़्यादातर देखते हैं कैमरा में कभी कभी, कि जब कभी किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो उस चीज़ को एकदम क्लियर दिखाता है, बाकी इमेज में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट शो करता है। साथ ही साथ ये कभी कभी हम मूवी में भी देखते हैं, किसी एक चीज़ को जब फोकस करना होता है तो उस चीज़ को क्लियर दिखाता है, बाकी सब में थोड़ा सा ब्लर टाइप में आता है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कुछ से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं फोटोशॉप, जो कि इसमें हम लोग देख रहे हैं हम साफ साफ कि बैकग्राउंड में ब्लर है और बाकी कुछ इमेज को फोकस करने वाला जो इमेज है उस पर हम लोग ब्लर इफेक्ट का यूज काम नहीं किया हुआ है। चलिए इसके लिए काम देखा जाए पहले कैसे करेंगे। पहले चलेंगे हम लोग फोटोशॉप। फोटोशॉप जाने के बाद फाइल न्यू पेज लेने के लिए फाइल से न्यू है, पेज का नाम दे रहे हैं, एक नेम दिए, पेज का साइज ले रहे हैं, क्वालिटी जैसा चाहिए वैसा क्वालिटी लिए, साथ ही साथ पेज कलरफुल होना चाहिए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, देन ओके। ये हमारा पेज आया। अब इसमें हमको क्या करना है, तो जिस इमेज पे हमको ब्लर इफेक्ट यूज करना है उस इमेज को लाना होगा। तो हम लोग फाइल से पहले ओपन करते हैं, जिस इमेज पे काम करना है उस इमेज को पहले सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देख रहे हैं कि इसमें सभी इमेज एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी ऑल सेलेक्ट एंड कॉपी, और इसको अपने पहले पेज में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपना रिसाइज करके जितना साइज का पेज है उतने साइज में कन्वर्ट कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, इमेज पे भी डबल क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। जिस इमेज पे या जिस एरिया में हमको ब्लर इफेक्ट यूज करना है पहले उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो जिस लेयर में सिलेक्ट हमारा सिलेक्शन दिखाएगा उस लेयर को ही पूरा ब्लर कर देगा, लेकिन हमको पूरे लेयर को ब्लर नहीं करना, उस लेयर में कुछ एरिया को ब्लर करना है। तो उसके लिए पहले उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम यूज करने वाले हैं क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन से क्या करेंगे, तो इसमें हमारा दो ऑप्शन रहता है, क्विक सिलेक्शन में एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, जिससे हम इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमें जितना हमको चाहिए उतना सिलेक्ट कर ले रहे हैं, कितना में हमको ब्लर डालना है, ये हमारा एरिया हो जाएगा जिसमें ब्लर आने वाला है। ये हमारा एरिया सिलेक्ट किए, साथ ही साथ एक फेस इसमें से कट गया है, तो अभी हम बोले क्विक सिलेक्शन में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, यहाँ प्लस साइन कर रहा है यहाँ माइनस साइन कर रहा है, मतलब सिलेक्शन से प्लस भी बढ़ा सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ज्यादा सिलेक्ट हो गया इसको माइनस कर ले रहे हैं। हमको इसको ब्लर नहीं देना था, बाकी सबको ब्लर देना था, बाकी पूरा इमेज सिलेक्ट है। जो बीच में इमेज आपको दिख रहा है ये ऊपर का जो एरिया आपका है ये आपका सिलेक्ट है इतना दूर, और साथ ही साथ इसके नीचे वाला एरिया भी आपका सिलेक्ट है, लेकिन ये बीच का एरिया सिलेक्ट नहीं है। तो जितना सिलेक्ट एरिया उतने में ही ब्लर इफेक्ट काम करेगा। उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, फिल्टर ब्लर। जब हम लोग इस तरह के पिक में ब्लर डालते हैं तो थोड़ा सा खींचा खींचा दिखाई देता है, ठीक है। कैमरा चलते हैं तो आदमी यानी कि चल रहा है यानी कि मोशन कर रहा है, तो इस तरह के इफेक्ट में जाकर मोशन इफेक्ट ही हमारा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग ब्लर में जाकर मोशन ब्लर ही डालेंगे। ब्लर कुछ ज्यादा दिखा रहा है तो इसे हम लोग कम कर सकते हैं, साथ ही साथ ये ब्लर का डायरेक्शन दिखा सकते हो कि ब्लर किस तरह से खींचा दिखा रहा है, किस साइड खींचा हुआ हो, ठीक है। जितना फोकस करना उतना फोकस करने के लिए उतना रखेंगे, बाकी ब्लर इफेक्ट डालकर ओके कर देंगे। ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, सिलेक्शन रिमूव हो गया। अब दिखा रहा है कि जो इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं जितना एरिया दिखाना चाहे तो उतना क्लियर है, बाकी हमारा ब्लर काम कर रहा है, ठीक है। ये था हमारा ब्लर इफेक्ट का यूज। थैंक यू।